हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू चैम लाइव क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आपके लिए जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है उसकी अपडेट मैं आपको बता देती हूँ। एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए एक बहुत उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये वैकेंसीज निकाली गई है एचपी फॉरेस्ट मतलब हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि है टोटल इसमें 9 वैकेंसीज है, जिसके लिए आपको कैटेगरी वाइज को क्लासिफिकेशन किया गया है। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 15 फरवरी तक जो है आपको ऑफलाइन सबमिट करवाना है। इसमें जो वैकेंसी इसकी डिटेल है आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है hpforest.nic.in पे भी मिल जाएगा, और इसे अपन इसकी पूरी डिटेल इसमें भी अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पहले पूरा देखें। अब अपन बात करते हैं इसकी कितनी वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी के लिए है। तो पहले तो अनारक्षित वालों के लिए, सामान्य वालों के लिए एक वैकेंसी है। अनुसूचित जाति के लिए इसमें जो IRDP जो है उसमें एक वैकेंसी है। सामान्य वाले के लिए टोटल 4 वैकेंसी, अनुसूचित जाति की 2 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति की 1 वैकेंसी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वालों के लिए 2 वैकेंसी है। कुल इसमें जो है 9 वैकेंसीज दी गई है। इसमें आपकी जो एज लिमिट 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए जो भी कैंडिडेट्स। इसमें एक्स सर्विस मैन की एक वैकेंसी दी गई है स्पोर्ट्स कोटा में। जो भी कैंडिडेट्स हैं स्पोर्ट्स कोटा से हैं उनके लिए भी इसमें वैकेंसी निकाली गई है, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके आवेदन अभ्यर्थी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से +2 या इसके समकक्ष जो है 12th पास कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें जो वैकेंसी निकाली है। 18 से 30 साल जो आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2019 तक, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें इस तरह से कंसीडर की जाएगी। और जो है OBC ST SC वालों को 5 साल की जो इसमें जो एज रिलेक्शन दिया गया है। आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, वो परीक्षण जो है पहले से आपका फिजिकल टेस्ट होगा, वो ही पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर उसका जो रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट उनका होगा जो रिटर्न एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। और टोटल जो आपका 100 मार्क्स का ये होने वाला लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत मूल्यांकन यानी कि इंटरव्यू, दोनों मिला के आपके 100 मार्क्स का होने वाला। इसमें जो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिए गए, इसमें जो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए बॉयज़ की और 150 होनी चाहिए गर्ल्स की। अनुसूचित जाति वालों को जो है 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, ठीक है। और शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी रेस होगी हाई जंप और लॉन्ग जंप होगा इसमें। तो इसमें रेस होगी आपकी 100 मीटर की होगी एक तो, और एक 800 मीटर की होगी। गर्ल्स के लिए आपके जो 14 मिनट दिए जाएंगे 100 मीटर में और 17 मिनट सॉरी बॉयज़ को 100 मीटर में 100 मीटर को दौड़ है वो 14 सेकेंड की होगी और गर्ल्स के लिए 17 सेकेंड। 800 मीटर रेस है वो आपकी 2 मिनट 45 सेकेंड की होगी बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए 4 मिनट 15 सेकेंड की होगी। हाई जंप आपका 1.25 मीटर है बॉयज़ के लिए और 1 मीटर गर्ल्स के लिए है। लॉन्ग जंप आपका 5 मीटर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 3 मीटर है। इस तरह से आपके जो इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया है ये। और आगे जो है आपका रिटर्न एग्ज़ाम में आपके 85 क्वेश्चन होंगे, 75 मिनट दिए जाएंगे आपको। ये हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य विज्ञान और वनों के बारे में जनरल नॉलेज होनी चाहिए आपके। हिमाचल प्रदेश के जो GK है वो होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड आपके 85 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी का मूल्यांकन शारीरिक दक्षता, प्रवीणता परीक्षण, लिखित परीक्षा के परिणामों पर आधारित मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी और उसके बेसिस पे आपका पेपर होगा। ये पेपर आपका सॉरी आपका सिलेक्शन होगा। ये जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो आपका ऑफलाइन होगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.hpforest.nic.in से आप इसका जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में है। तो आपको क्या करना है, इसका जो है इस नोटिफिकेशन में भी इसका फॉर्मेट दिया गया है, आप इस फॉर्मेट में ही अपना क्या करना है, इसका फोटो फिक्स करना है, उस पर सिग्नेचर करना है अपने, ठीक है, क्रॉस सिग्नेचर होने चाहिए फोटो के साथ, और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, अपना नाम और आपके पेरेंट्स का नाम, स्थायी पता एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पहचान चिन्ह होना चाहिए इस पर, और आपकी किस कैटेगरी से हैं आप, आपकी डेट ऑफ बर्थ, शैक्षणिक योग्यता मतलब आपने क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन है आपकी, और आपकी जो इस कार्यालय का नाम है ऑफिशियल एज वेबसाइट इसके नोटिफिकेशन में इसका एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस आपको मेंशन करना है, और ये आपको जो है भेजना है 15 फरवरी से पहले पहले। तो ये इसके डिटेल प्रमाण पत्र का स्वयं जो ये सारी इस पर हस्ताक्षर करने हैं और फिर इसको भेजना है। तो ये है इसकी डिटेल। और अब अगर आपको कोई और भी मतलब कि आप इसके हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के लिफाफे के ऊपर वन रक्षकों की भर्ती हेतु आवेदन ऐसे लिखना है, और पता है इसका वन
वी वे एम ए जो है कार्यालय अरुणापल कुल्लू वन व्रत कुल्लू हिमाचल प्रदेश, पिन कोड आपका 175101। तो ये आपका ऑफिशियल एड्रेस दिया गया है जिसके थ्रू आपको भेजना है। ये जो 15 फरवरी लास्ट डेट है, तो आपको इसको मैनुअली आपका जो है बाई पोस्ट आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। ठीक है, तो ये थी इसकी डिटेल। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है वन विभाग में आपकी जो वैकेंसी के लिए। तो ये सारी डिटेल थी, और ऐसी डिटेल हम आपको एडिशनल अप्लाई क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और भी जो आगे की जो वैकेंसी है, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, तो हम एडिशनल अप्लाई क्लासेस पे वो आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। तो एडिशनल अप्लाई क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।